अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। अमरीन साहब के चैनल में आप सभी देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद। जी व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड डिलीशियस एंड इंस्टेंट रेडी होने वाली हमारी रेसिपी है। आज मैं बनाने लगी हूँ चावल के आटे की रोटी, जिसे बनाना नहायत आसान है और इंतहाई झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने वन बाउल में लिया है आटा, चावल का आटा लिया है, और वन ग्लास वाटर एंड नमक। नमक मैं चावल के आटे के अंदर मिला लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। नमक को मैंने डाल दिया है। अब चावल के आटे के अंदर मैं डालूँगी पानी। आपने इसको थोड़ा पतला पतला लई की तरह भूनना है, चम्मच से चलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ स्पून चलाते जाएंगे। जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है वैसे आपने बिल्कुल नहीं गूंदना, बल्कि पतला पतला इसको लई की तरह बनाएंगे चावल के आटे को, फिर इसकी रोटी बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड डिलीशियस रोटी बनती है। एक ही दम से आपने सारा पानी नहीं डाल देना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। इस तरीके से आपने बिल्कुल पतला पतला लई की तरह बना लेना है। चावल के आटे की रोटी ऐसे बनती है। व्यूअर्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल पतला पतला मैंने लेवी की तरह बना ली है। अब अच्छे तरीके से स्पून इसमें अंदर मिक्स कर ली हूँ और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी हमारी चावल की आटे की रोटी बनती है। और पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाती है, अंदरूने पंजाब और अंदरूने सिंध के अंदर चावल की रोटी। और आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि साग के साथ चावल की रोटी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनती है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल साग नहीं बना रही, साग का मौसम अभी नहीं है। मैं अभी सिर्फ बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी, जिसे बनाना इंतहाई आसान है। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतने पतली होगी। हमने बिल्कुल इस तरीके से आटे को बनाना है। और अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। तो जी व्यूअर्स, फ्राई पैन को मैंने गरम कर लिया है और इसको थोड़ा सा मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल या घी के साथ। ठीक है, आपने इस तरीके से ग्रीस कर लेना है। अब मैं उठाऊंगी पवा और उसकी मदद से मैं ये जो आटा, चावल का आटा मैंने गूंदा था, इसको मैं लूंगी। ये मैंने उठाया। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, लो फ्लेम के ऊपर ये चावल के आटे की रोटी बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अब मैं चावल के आटे की रोटी को पलटने लगी हूँ। ये देखिए कितनी गोलाई में बनी है हमारी रोटी। इस तरीके से आपने नीचे थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, इसको पलट लेना है। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकने देना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं एक मैंने चावल के आटे की रोटी बना ली है, देन सेकंड हमारी रोटी तैयार हो रही है, वो भी मैंने फ्राई पैन के ऊपर डाल दी है। बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट रेडी होने वाली ये रेसिपी है हमारी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार एंड यमी और हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है, चावल के आटे की रोटी। आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा मैंने आसानी के साथ मैंने बनाई है आज चावल की रोटी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसे लगी।
अगर आपने अमरीन सैफ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अमरीन सैफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया करें तो ज़रूर लाइक और शेयर का बटन प्रेस किया करें। स्पेशली थैंक यू उन फ्रेंड्स का जो वीडियो को देखते हैं, प्रॉपरली वॉच करते हैं, चैनल को कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दुआओं के साथ अमरीन सैफ को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।